प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का चैप्टर 1। चैप्टर में 1.1 पढ़ेंगे। 1.4 में संख्या पद्धति में उत्तरोत्तर आवर्तन करके संख्या रेखा पर 3.765 का मान ज्ञात करना है। देखिए, 3.765 का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखो, ये संख्या 3 से बड़ी है, 4 से छोटी है। 3 से बड़ी और 4 से छोटी है, यानी कि 3 से बड़ी और 4 से छोटी संख्या के लिए हम क्या करेंगे, 3 व 4 के 10 बराबर भाग करेंगे। तो 10 बराबर भाग क्या होंगे, 3 के बाद में 3.1 आएगा, 3.9 यानी 4, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। ये चीजों के लिए वो क्या लिखेंगे, सबसे पहले संख्या 3 से बड़ी 4 से छोटी है, तो 3 व 4 के बीच 10 बराबर आगे करते हैं। अब हमें इसमें से संख्या रेखा पर 3.4 प्राप्त होता है, तो हमें यहाँ संख्या रेखा पर 3.7 प्राप्त होता है। अब ये जो मान है 3.7 और 3.8, तो यहाँ से उठाएंगे अपन 3.7 और पहले के जो मान प्राप्त होता है वह हमें 3.7 के बीच प्राप्त होता है। तो यहाँ से अपन ये उठाएंगे और ये उठा के यहाँ से मैं लिखूंगा 1.7 और इसके भी वही 2 बराबर भाग करेंगे। यहाँ से 10 भाग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यानी जो मान का गुणन है वो इन दोनों के बीच में प्राप्त होगा। इसके बीच में इन दोनों के बीच में मान प्राप्त होगा और जो हमें संख्या प्राप्त हुई है वह 3.7 हमें प्राप्त होगी। 3.7 जो संख्या प्राप्त हुई है ये और मान किससे प्राप्त होगा, 3.7 और 3.8 के बीच का। 3.7 का लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके अंदर अगर बात कर लिए तो यहाँ लिखेंगे 3.7, 3.7, 3.7, 3.7, 4, 3.7, 5, 3.7, 6, 3.7, 7, 3.7, 8, 3.7, 9। तो जैसे वहां पर किया है वैसे यहाँ करेंगे। अब देखना इसमें से यहाँ पर क्या मिल रहा है, 3.76 ये मान है यहाँ मिल गया, यानी कि ये जो मान है वह इसके और इसके बीच का है। तो मैं यहाँ पर संख्या रेखा पर 3.76 से प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे मैं यहां पर और 3.7 पर 3.8 के बीच 10 बराबर भाग करेंगे। अब यहां भी ऐसे ये मान प्राप्त हो गया, तो 3.76 और 3.7 लिखूंगा 3.76 पर 3.77 के बीच 10 बराबर भाग करेंगे। तो जैसे अपन लिखते क्या वैसे इसमें करेंगे, यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, क्या गया 1, 2, 3, 8, 4, 5, 6,
सेवन एट नाइन और लास्ट में एट ये आ जाएगा। अब क्या लिखूंगा 3.76 ये आएगा 3.76। इसके बीच में धंधा हुआ करना है ये आएगा 3.761 3.762 3.763 3.764 3.765 3.766 3.767 3.768 3.769। तो जो संख्या हमें याद करनी है वह संख्या यहाँ पर प्राप्त हो रही है, यानी हमने इसका उत्तरोत्तर आवर्धन करके बड़ा बड़ा करके हमने 3.765 का मान प्राप्त कर दिया। यानी यहाँ पर हमें उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा 3.765 संख्या रेखा पर प्राप्त होता है, संख्या रेखा पर प्राप्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार सवाल नंबर दूसरा आपके पूछा है 4.26 बार को संख्या रेखा पर व्यक्त कीजिए, यानी कि 4.2626 जैसे यहाँ 4.8 पॉइंट के बाद 4 अंक, यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक थे, लाइन कीजिए इसको 4 बार करना है, 40 अंक 3 बार कराए ऐसे आपको इसको 4 बार करना है। तो इसको सेकंड सवाल आपको करना है। प्रश्नावली 1.5 में परिमेय अपरिमेय के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या छाननी है। तो देखना सवाल फर्स्ट है, इसमें फर्स्ट सवाल है नीचे दी गए कौन कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। प्रश्नावली 1.5 सवाल नंबर कौन कौन परिमेय अपरिमेय है, फर्स्ट इसमें 2 माइनस अंडर रूट 5, सेकेंड है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, थर्ड है 2 √7 फोर्थ ए 1/√2, फिफ्थ ए 2/5। इनमें से छाटने में तो फर्स्ट करेंगे हल में फर्स्ट 2 √5, देखिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या को किसी से जोड़ने या घटाने पर अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या किसमें से घटाएंगे या जोड़ेंगे तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी, इसलिए 2 माइनस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद सेकेंड नंबर 3 प्लस रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 को देखना है, हल करेंगे 3 प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 3 से कट जाएगा 3, 3 अपॉन 1 यानी 3 अपॉन 2 ये है परिमेय। ठीक है, अब ये परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर थर्ड सवाल है 2 √7 7 √7 इसे काट देंगे
अपॉन सेवन ई अपॉन क्यू ये भी क्या है परिमेय संख्या। इसी प्रकार से बाकी दो है, बाकी दो में वन अपॉन टू इसमें देखो ये फोर्थ है अंडर रूट को क्या है अपरिमेय है इसलिए वन अपॉन टू भी क्या होगा अपरिमेय। फिर फिफ्थ में टू पाई पाई क्या है अपरिमेय है इसलिए टू पाई भी क्या होगा अपरिमेय होगा। तो ये हो गए दो सवाल यानी कि सॉरी पहले एक पांच सवाल हो गए ये और मैं कराऊंगा सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा देखना है अनपढ़ टाइप का वन पॉइंट फाइव का सवाल नंबर दो क्या है इसमें पूछा है सरल कीजिए सरल कीजिए सरल कीजिए। फर्स्ट पूछा है थ्री प्लस थ्री और टू प्लस टू करना है तीन से इन दोनों गुणा करेंगे तो प्लस टू टू फिर उसके से गुणा करेंगे टू प्लस गुणा करिए छः से गुणा करो एक टू इससे गुणा करो और इससे गुणा करेंगे तो इसी प्रकार सेकंड सवाल है सेकंड में थ्री प्लस टू थ्री और थ्री माइनस टू थ्री आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर इससे करेंगे आगे का मान यानी एक का मान तीन है पीछे का मान तीन है तीन का वर्ग नौ तीन का तीन इस प्रकार हम सवाल करेंगे तो बाकी सवाल आप कर देंगे।